पिक्चर आप देख रहे हैं अजय भारत। भारत और चीन के बीच में तनाव जारी है, लेकिन इस बीच भारत सरकार लगातार चीन के खिलाफ बड़े कदम उठा रही है। कुछ दिन पहले ही 69 चाइनीज ऐप को भारत सरकार ने बैन लगाया था, और एक बार फिर से भारत सरकार ने 118 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें पबजी भी है। जी हाँ, मैं उस पबजी की बात कर रही हूँ जिसको भारत के करोड़ों युवा पीढ़ी खेलते हैं, जिनको काफी ज्यादा पबजी पसंद आता है। लेकिन अब इस ऐप को भारत में बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि भारत सरकार द्वारा जो भारत सरकार ने चीन के खिलाफ एक और डिजिटल स्ट्राइक की है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को मोबाइल गेम पबजी समेत 118 मोबाइल एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के मोबाइल ऐप्स पर भारत की यह तीसरी डिजिटल स्ट्राइक है। इससे पहले जून अंत में भारत ने टिकटॉक समेत चीन के 47 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद जुलाई अंत में 59 चीनी ऐप्स प्रतिबंधित किए थे। सरकार ने इस फैसले के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है। मंत्रालय ने इस संबंध में जारी एक विज्ञापन में कहा है कि सरकार ने 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे विभिन्न सूत्रों से कई शिकायतें मिली हैं और कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें पता चला है कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कई मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं का डाटा चुरा रहे थे और भारत से बाहर लोकेशन पर अव्यवस्थित। मंत्रालय ने कहा कि उसे विभिन्न सूत्रों से कई शिकायतें मिली हैं और कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें पता चला है कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कई मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं का डाटा चुरा रहे थे और भारत से लोकेशन पर अव्यवस्थित तरीके से भेज रहे थे। प्रतिबंधित ऐप्स की लिस्ट में कई लोकप्रिय एप्लीकेशन शामिल हैं। इनमें लोकप्रिय गेम पबजी मोबाइल, पबजी मोबाइल लाइट, बाइडू, सुपर क्लीन, शायोमो। प्रतिबंधित ऐप्स की लिस्ट में कई लोकप्रिय एप्लीकेशन शामिल हैं। इनमें लोकप्रिय गेम पबजी भी शामिल है। तो देखा जाए भारत में करोड़ों ऐसे युवा हैं जो कि पबजी के दीवाने हैं, जिनको पबजी खेलना काफी ज्यादा पसंद है। हर दूसरे फोन में यहाँ पे इंडिया में पबजी डाउनलोडेड था, लेकिन अब उन करोड़ों युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब भारत में पबजी को बैन कर दिया गया है। भारत सरकार ने जो 118 ऐप को बैन किया है, उसमें पबजी भी शामिल है। फिलहाल बने रहे अजय भारत के साथ। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।